गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 8 में मैंने इंडक्टिव फैक्ट और उससे रिलेटेड एप्लीकेशंस खत्म किए हम लोगों ने। नेक्स्ट अब लेक्चर नंबर 9 में मैं आपको नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा, रेजोनेंस, जिसे हिंदी बोलते हैं अनुनाद। बड़ा प्यारा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा शानदार टॉपिक है, बड़े प्यार से आपको समझ में आएगा। एक एक लाइन की मैंने सीक्वेंस शानदार बना के रखी है, एक एक लाइन में आपको एक्सप्लेन करूंगा, बड़े मजे से आपको समझना है, कोई पॉइंट किसी भी तरीके का छूटेगा नहीं, आप बस मेरी सीक्वेंस को समझते रहिए। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज के प्यारे बच्चों धांसू तरीके से, और वो है रेजोनेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं अनुनाद। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, वो इस प्रकार से है कि जब भी देखो, आपको पता जितनी भी अच्छी बुक्स हैं वो सबकी सब इंग्लिश में है। अगर आप कोई बुक्स पढ़ते हो या प्रेफर करते हो, वैसे तो नोट सफिशियंट है, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप बुक्स पढ़ते हो तो इंग्लिश बुक ज़्यादा ऑथेंटिक होती हैं। तो पॉइंट ऐसा है कि मैं हिंदी वालों बच्चों के साथ डबल मेहनत करता हूँ, हिंदी के साथ साथ मैं उनके जरूर जरूर वर्ड्स जो हैं वो इंग्लिश में भी लिखता हूँ। तो एक बार उसकी हिंदी समझने के बाद आप इंग्लिश वाले टर्म को ही यूज किया करिए, जिससे वही फ्रीक्वेंसी में आपको बार बार बोलोगे तो वही दिमाग में बैठ जाएगा। तो हमारा आज का टॉपिक है और वो है रेजोनेंस, रेजोनेंस बोले तो हिंदी में अनुनाद। एक बार पेन और सेट कर लेते हैं जी। तो अगर मैं आपसे पूछूं, पहला पॉइंट, आपको देख के रेजोनेंस क्या दिमाग में आ रहा है जल्दी से बताइए कि सर अनुनाद होता क्या है, रेजोनेंस होता क्या है, डेफिनेशन उसकी, सर कंपाउंड में कब होता है रेजोनेंस, और सर क्यों होता है, अगर होता है तो इसके एप्लीकेशंस क्या है। कितनी प्यारी लाइन है, क्या होता है, कब होता है, क्यों होता है और इसके एप्लीकेशंस क्या है, ये सारी कहानी मैं आपको बताना चाहता हूं स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट है रेजोनेंस की डेफिनेशन, बट मैं रेजोनेंस की डेफिनेशन आपको पहले रेजोनेंस कहां होता है मतलब कब होता है वो समझाने के बाद समझाऊंगा, क्योंकि तभी प्यारे तरीके से आपको डेफिनेशन समझ में आएगी। तो मैं आपको फर्स्ट पॉइंट ना समझा के सेकंड पॉइंट पर डायरेक्ट लेके चलता हूं कि रेजोनेंस कब होगा, मतलब कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसमें रेजोनेंस होगा और कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसमें रेजोनेंस नहीं होगा। बट आगे की थ्योरी इस पॉइंट को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बड़ा प्यारा सा पॉइंट और सिखाना चाहता हूं, वो देखिए क्या है। देखिए पॉइंट सुनना ध्यान से, आपको कुछ मैं टर्म सिखाना चाहता हूं, जैसे पहला पॉइंट है, एक्स्ट्रा पॉइंट है, एक्स्ट्रा पॉइंट है, थोड़ा सा देखिए, आपके पास दो नंबर है, कोई भी संख्या है, एक N1 है और एक N2 है, ये कोई दो संख्या है, मैं ऐसे बोल देता हूं, ये दो नंबर है आपके पास, इन दोनों नंबर का आपको औसत लेना है, एवरेज लेना है। तो औसत क्या होता है बेटा, एवरेज क्या होता है, औसत कैसे निकालते हैं, दोनों नंबर को जोड़ दो और जितने नंबर हैं, कितने नंबर हैं बेटा, दो नंबर है, दो से डिवाइड कर दो, ये इन दोनों का औसत आ जाएगा। चलो नई पॉइंट बैठा है दिमाग में, एक और क्वेश्चन देख लो, इसमें कितनी छोटी बातें बोल रहा हूं जो आगे काम आएंगी बहुत ज्यादा, अभी आज के लेक्चर को समझने के लिए। एवरेज, जैसे आपके पास तीन नंबर है, एक N1 है, एक N2 है और एक N3 है, इन तीनों नंबर का आपको एवरेज लेना है। तो आप एवरेज क्या करोगे, तीनों नंबर को पहले जोड़ दो, N1 N2 प्लस N3 और डिवाइड बाई 3 कर दोगे तो आपको इन तीनों नंबर का एवरेज पता लग जाएगा। डन है कहानी। अब ऐसे ही मैं बॉन्ड से रिलेटेड बात करता हूं आपको सेकंड पॉइंट में। मान लीजिए आपके पास सिंगल बॉन्ड है, कैसा बॉन्ड है बेटा, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड क्या होता है, कुछ ऐसे होता है, अरे यही तो होता है प्यारे बच्चों, ये सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड में कितने बॉन्ड होते हैं, एक ही बॉन्ड होता है, तो इसमें एक बॉन्ड होता है, वन बॉन्ड है ना, एक ही बॉन्ड होता है सिंगल बॉन्ड में। अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर ए पॉइंट है, अगर बी पॉइंट में बात करूं मैं डबल बॉन्ड की, छोटी छोटी बात है डबल बॉन्ड, बट काम आएंगी और शानदार सीक्वेंस बनाएंगी। डबल बॉन्ड में बेटा कुछ इस प्रकार से होता है, कितने बॉन्ड होते हैं, दो बॉन्ड होते हैं, बहुत बढ़िया। ऐसे ही मैं सी लूं ट्रिपल बॉन्ड, तो मैं आपसे पूछूं ट्रिपल बॉन्ड में कितने बॉन्ड होते हैं, तो आप कहोगे सर तीन बॉन्ड होते हैं, कितने बॉन्ड होते हैं बेटा, तीन बॉन्ड, थ्री बॉन्ड्स होते हैं। डबल बॉन्ड में दो बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड में तीन बॉन्ड होते हैं। क्या आपको पॉइंट समझ में आ गया है ये? नेक्स्ट चलते हैं, देखिए ध्यान से, इसमें पॉइंट में बात कर रहा हूं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट ध्यान सुनना, अगर मैं आपसे पूछूं आपके पास सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड आप जानते हो सिंगल बॉन्ड में एक बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड का आपको एवरेज लेना है, औसत लेना है। तो ऐसे लिख देता हूं थर्ड पॉइंट में, थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं कहानी को, एवरेज मतलब औसत है ना, थर्ड पॉइंट में बोलूं तो एवरेज ऑफ किसका बेटा,
सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड का एवरेज हम लोग ले रहे हैं, तो एवरेज में क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या होता है एक बॉन्ड, और डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों दो बॉन्ड, तो एक बॉन्ड और दो बॉन्ड का औसत है, दो नंबर है तो टोटल को दो से डिवाइड कर दो, ये इसका औसत आ जाएगा। अगर आप औसत देखोगे तो कितना आएगा बेटा, 1.5 आएगा। कैलकुलेट कर लो, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड का एवरेज जब आप लोगे बेटा वो 1.5 आएगा। अगर 1.5 को बॉन्ड की फॉर्म में लिखना चाहूं मैं, किसकी फॉर्म में बेटा, बॉन्ड की फॉर्म में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा जल्दी से बताना। 1 का मतलब क्या है, सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या है एक, तो 1 का मतलब तो हो गया एक बॉन्ड, ऐसे हो गया। अब 0.5 है जो एक से कम हो, है ना, कंप्लीट इंटीजर ना हो, कंप्लीट नंबर ना हो, तो 1 के लिए तो 1 बॉन्ड लिख दिया, ये पॉइंट में आ रखा है 0.5, तो ये बॉन्ड कंप्लीट नहीं है, इसे हम बोलते हैं बेटा आंशिक बॉन्ड, बोले तो पार्शियल बॉन्ड। कैसा बॉन्ड है, तो एक के अलावा 0.5 और है, इसका मतलब ये वाला बॉन्ड कंप्लीट बॉन्ड नहीं है, ये पार्शियल बॉन्ड है, आंशिक बॉन्ड है, तो कुछ इस प्रकार से बन गया। ये आंशिक बॉन्ड को थोड़ा समय और अच्छा बना देता हूं, ये आंशिक बॉन्ड बन गया ऐसे करके, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं इस बॉन्ड को, टोटल पूरे बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम पार्शियल डबल बॉन्ड, क्या कहेंगे, पार्शियल डबल बॉन्ड, शॉर्ट में लिख दिया बेटा पार्शियल डबल बॉन्ड। तो ये काम आएगी आज के लेक्चर में बात, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड का एवरेज अगर आपसे कभी भी पूछे तो आप कहना सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड का एवरेज होता है पार्शियल डबल बॉन्ड। क्या आपको समझ में आया क्या होता है पार्शियल डबल बॉन्ड, ये एक पॉइंट मार्क कर देता हूं इसको, ठीक है। नेक्स्ट और देखते हैं, इसमें थोड़ा छोटा कर देता हूं, आपको दिख रहा होगा वैसे तो, ये लिख सकते हो आप आराम से, ये डेफिनेशन हेडिंग लिखी हुई है, उसके अंदर हम थोड़ी सी छोटी छोटी बातें कर रहे हैं, आप चाहो तो इसे नोट लिख सकते हो, ये नोट 1 है आपका और ये नोट 2 है आपका और ये नोट 3 है आपका, ठीक है, लिख सकते हो। अब इसमें थर्ड में बी पार्ट और लेते हैं, अगर आपको एवरेज लेना है बेटा किसका, एवरेज ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड लेना है, प्लीज बताना डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का आपको एवरेज लेना है तो आप कैसे लोगे। डबल बॉन्ड को कितना नंबर होता है बेटा, कितने बॉन्ड होते हैं 2, ट्रिपल बॉन्ड में कितने बॉन्ड होते हैं 3, तो 2 + 3 टोटल 2 है, 2 से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा यहां पर 2.5। अगर आप 2.5 का बॉन्ड में रिप्रेजेंटेशन करोगे तो क्या आएगा, एक तो कंप्लीट डबल बॉन्ड हो गया, दो बॉन्ड हो गए तो एक तो आ गया आपके पास, इसका मतलब है आपके पास अगर देखा जाए तो एक तो डबल बॉन्ड हो गया आपके पास कुछ इस प्रकार से, जो नेक्स्ट वाला बॉन्ड है वो कंप्लीट नहीं है, तो कंप्लीट नहीं है तो पार्शियल हो गया, पार्शियल का मतलब आंशिक, तो हम इसे क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, आंशिक डबल बॉन्ड कहेंगे, क्या कहेंगे, आंशिक ट्रिपल बॉन्ड, पार्शियल 3 बॉन्ड है बट एक कंप्लीट नहीं है, इसलिए इसका नाम क्या आएगा बेटा, पार्शियल, बोले तो आंशिक पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड इसे कहा जाएगा। तो ये बात आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है, ये सारी कहानी ये दो पॉइंट के लिए है, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड का जब भी एवरेज मैं निकलवाऊं तो आप तुरंत कहना पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा, और डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड का मैं एवरेज निकलवाऊं तो आप तुरंत कहना पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड आएगा। क्या आपको सारी पॉइंट समझ में आ गए हैं, प्लीज अगर समझ में आ गए हैं तो जल्दी से आप ये नोट तीनों लिख दीजिए, नोट 1, नोट 2 और नोट 3 के दोनों पार्ट, डन है कहानी बेटा, लिख दिया सबने। चलिए अब सुनिए, अब मैं आपको लेके चलता हूं रेजोनेंस कंपाउंड में कब होता है, डेफिनेशन हम इसके बाद देखने वाले हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं, चले नेक्स्ट देखिए, मजा आएगा, पॉइंट एक एक समझाऊंगा, एक एक पॉइंट बारीकी से। तो नेक्स्ट है कंडीशन फॉर रेजोनेंस, रेजोनेंस होने के लिए शर्त, क्या बेटा, रेजोनेंस होने के लिए शर्त, कंडीशन फॉर रेजोनेंस, किसी भी यौगिक में अनुनाद होगा या नहीं होगा उसको ये दो शर्तें, अगर वो दो शर्तों का पालन करता है यौगिक तो वहां पर अनुनाद होगा, अगर नहीं करता है तो वहां अनुनाद नहीं होगा। एक एक पॉइंट को इतना आसानी से कब होगा कैसे होगा सारी कहानी बड़े अच्छे तरीके से प्लान कर रखी है, जबरदस्ती दिमाग में आएगा, बट ध्यान से सुनते रहिए एक बात। तो वो कहता है किसी भी यौगिक में अनुनाद होने की दो शर्तें हैं, पहली शर्त है जो बोर्ड पर लिखी हुई है, मैं समझा देता हूं फिर उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा, बोर्ड पर जो लिखा हुआ वो आप भी लिख लेना। पहली शर्त क्या कहती है, यौगिक में जो जो परमाणु अनुनाद में भाग ले रहे हैं वह सभी परमाणु समान तल में उपस्थित होने चाहिए, अर्थात जो परमाणु अनुनाद में भाग ले रहे हैं उन्हें समान तल में होना पड़ेगा अगर वहां अनुनाद होना है। अनुनाद होने के लिए परमाणुओं को कहां होना चाहिए, समान तल में। अब आप तुरंत कहोगे सर मुझे कैसे पता चलेगा कि यहां परमाणु समान तल में है या नहीं है, तो इसके लिए हम संकरण अवस्था का उपयोग करते हैं। आपको पता है जब कभी भी संकरण अवस्था sp2 होती है तो वहां ज्योमेट्री होती है बेटा ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर होती है ना, और इसे हिंदी में क्या कहते हैं, त्रिकोणीय समतलीय, याद है, समतलीय मतलब एक प्लेन में, अरे आया ना शब्द निकल के। और sp जब संकरण अवस्था होती है तो ज्यामिति होती है लीनियर, लीनियर का मतलब एक लाइन इस तरीके से होगी, तो लाइन भी हमेशा एक तल में खींची जाती है।
अगर आपके परमाणुओं की संकरण अवस्था एसपी टू या एसपी है तो आप उन्हें मानना वो तल में है, अगर एसपी थ्री है तो वो तल में नहीं है। तो देखो आपको पहली कंडीशन भी समझ में आ गई और पहली कंडीशन को देखना कैसे है वो भी समझ में आ चुका है। क्या कह रहा है, सभी परमाणु जो अनुनाद में भाग ले रहे हैं समान तल में उपस्थित होने चाहिए। चेक करने के लिए वहां चेक कर लेना संकरण अवस्था क्या होनी चाहिए, एसपी टू या एसपी होनी चाहिए। क्या आपको पॉइंट समझ में आया प्यारे बच्चों, पहला पॉइंट बैठ गया दिमाग में, डन है कहानी। सेकेंड पॉइंट पर चलते हैं। सेकेंड पॉइंट कंडीशन कह रहा है कि आपका तंत्र, अंग्रेजी बोले सिस्टम, तंत्र संयुग्मन में होना चाहिए, तंत्र संयुग्मन में होना चाहिए। संयुग्मन को बेटा कॉन्जुगेशन बोलते हैं, तो अभी से मैं जो वर्ड यूज करूंगा संयुग्मन की जगह कॉन्जुगेशन बोलूंगा, और तंत्र थोड़ा सा तंत्र मंत्र जैसा लग रहा, मजा नहीं आ रहा है, तो उसे हम बोल देंगे क्या, सिस्टम। तो लाइन इस प्रकार से, सेकंड कंडीशन कह रहा है सिस्टम कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। अब तुरंत सवाल आया, सर मुझे कैसे पता चलेगा कि सिस्टम कॉन्जुगेशन में है या नहीं है? तो अब मैं आपको सिखाना चाहता हूं नेक्स्ट स्लाइड में कि कैसे पहचानते हैं सिस्टम कॉन्जुगेशन में है या नहीं है, मतलब टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन के प्रकार, हिंदी बोले तो संयुग्मन के प्रकार हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं। जल्दी से पॉज करिए, दोनों डेफिनेशन, दोनों कंडीशन को दिमाग में भरिए। पहली कंडीशन परमाणु समान तल में होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन तंत्र संयुग्मन में होना चाहिए। प्लीज पॉज करिए और जल्दी से दोनों कंडीशन को बनाइए, फिर मैं आपको लेके चलता हूं नेक्स्ट स्लाइड में। क्या आप लोगों ने बना दिया बेटा, चले देखिए नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन, जिसे आप हिंदी में लिख सकते हो संयुग्मन के प्रकार। क्या लिख सकते हो, संयुग्मन के प्रकार। पहला कॉन्जुगेशन है बेटा पॉजिटिव चार्ज एंड पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन। बड़े एक एक लाइन शानदार, मजा आएगा देखना आप, सुनना मजे से। पॉजिटिव चार्ज एंड पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन, ये एक कॉन्जुगेशन का प्रकार है। सर ये होता क्या है समझाइए, तो पॉजिटिव चार्ज और अगर पाई बॉन्ड एक बॉन्ड के गैप पर हो, पॉजिटिव चार्ज, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पाई बॉन्ड है, ये वाला पाई बॉन्ड दिख रहा है, अगर एक बॉन्ड के गैप पर आ जाए, क्या एक बॉन्ड का गैप है, ये एक बॉन्ड के गैप पर आ जाए, तो आप उसे बोल देना पॉजिटिव चार्ज एंड पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन। सीधी इस कहानी है, जब भी आपको किसी कंपाउंड में पॉजिटिव चार्ज और पाई बॉन्ड एक बॉन्ड के गैप पर दिख जाए तो आप बोल देना वहां पर कॉन्जुगेशन है। अब जो मैं एक बॉन्ड का गैप बोल रहा हूं बेटा, वो जरूरी नहीं है वो सिंगल बॉन्ड हो, वो डबल बॉन्ड भी हो सकता है, सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट पॉजिटिव चार्ज और पाई बॉन्ड के बीच में एक बॉन्ड का गैप होना चाहिए। एक एक लाइन में आपको ऑथेंटिसिटी के साथ कहना चाह रहा हूं। नेक्स्ट, तो यहां पर प्यारे बच्चों ये पाया गया कि यहां पर कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन है तो यहां 100% रेजोनेंस भी होगा, क्योंकि आप कहोगे सर पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हुई कि प्लेनर होना चाहिए, आप चेक करो इसकी संकरण अवस्था क्या, sp2 सभी की संकरण अवस्था sp2 है तो सभी परमाणु समान तल में हो गए, कॉन्जुगेशन भी हो गया, तो आप क्या कहोगे यहां अनुनाद है। अब मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि अनुनाद होता कैसे है। पहला पॉइंट यहां अनुनाद है, ये प्रूव कर दिया है। दूसरा पॉइंट हम पढ़ते हैं कि अनुनाद है किसी कंपाउंड में तो वहां अनुनाद कैसे होता है वो देखते हैं। तो बट उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड में लेके चलता हूं, फिर वापस इसी स्लाइड में लाऊंगा। देखिए मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, हिंदी में इसे बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन गतिशीलता, इलेक्ट्रॉन गतिशीलता। बेटा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गतिशीलता होती है नेगेटिव चार्ज की, सबसे तेज भागता है नेगेटिव चार्ज, फिर भागता है आपका बेटा लोन पेयर, फिर भागता आपका बेटा पाई बॉन्ड, और जो नहीं भागते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी शून्य होती है वो होते हैं पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहां तो इलेक्ट्रॉन होता नहीं है बेटा, या वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट ऑर्बिटल बोले तो बेटा रिक्त कक्षक, वैकेंट ऑर्बिटल और रिक्त कक्षक आप इसे हिंदी में बोल सकते हो। ये इलेक्ट्रॉन गतिशीलता का क्रम आपको अपने ध्यान में रखना है, एक एक बात ध्यान से सुनना। अब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी या इलेक्ट्रॉन गतिशीलता किसकी है, नेगेटिव चार्ज की, फिर किसकी है लोन पेयर की, फिर पाई बॉन्ड की, पॉजिटिव चार्ज और वैकेंट ऑर्बिटल की मोबिलिटी जीरो होती है, मतलब सबसे कम होती है, ऐसे आपको ध्यान में रखना है। अब चलते हैं वापस से, अब मुझे बताइए इस कंपाउंड में दो स्पीसीज है जो एक बॉन्ड के गैप पर है, एक पॉजिटिव चार्ज है एक पाई बॉन्ड है, तो आप मुझे बताइए इन दोनों में से किसकी मोबिलिटी ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज और पाई बॉन्ड में से, जल्दी से बताओ, पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज में से पाई बॉन्ड की मोबिलिटी ज्यादा है। तो आपके कंपाउंड में अगर रेजोनेंस हो तो आपको यह देखना है कि जिन स्पीसीज के बीच में रेजोनेंस है उसमें से किसकी मोबिलिटी ज्यादा है, तो पाई बॉन्ड की मोबिलिटी ज्यादा है तो पाई बॉन्ड भागेगा। अब कैसे भागेगा, लाइन सुनना, अल्टीमेट अल्टीमेट लाइन है,
ये मेरी बनाई हुई लाइन है, आपको दिमाग में बैठ जानी चाहिए, धांसू लाइन है बेटा, एक एक जगह काम आएगी आपको। जब भी आपको पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज एक बॉन्ड के गैप पर नजर आए तो आपको रेजोनेंस इस प्रकार से कराना है, मोबिलिटी पाई बॉन्ड की ज्यादा है तो पाई बॉन्ड से पाई बॉन्ड बनाओ, पाई बॉन्ड बनाएगा, लाइन लिख देना, लाइन लिख देना बादलों में अलग से, पाई बॉन्ड बनाएगा, पॉजिटिव चार्ज पीछे छूट जाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा, पॉजिटिव चार्ज पीछे छूट जाएगा, मतलब पाई बॉन्ड तो यहां से जाकर के यहां पाई बॉन्ड बना लेगा और ये पॉजिटिव चार्ज पीछे छूट जाएगा, तो क्या बनेगा स्ट्रक्चर जल्दी से बताओ। जब पाई बॉन्ड यहां मूव हुआ तो ये तो बन गया कुछ इस प्रकार से CH2 डबल बॉन्ड CH और ये बन गया CH2 पॉजिटिव। दोनों बातों में थोड़ा सा गहराई से और मैं समझाता हूं, पाई बॉन्ड बनाएगा सर, कहां बनाएगा, जो एक बॉन्ड का गैप है ना प्यारे बच्चों उस पर पाई बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनाएगा, कहां बनाएगा, जो एक बॉन्ड का गैप है, उठा के तीर यहां पटक दो पाई बॉन्ड को तो पाई बॉन्ड बन गया, पॉजिटिव चार्ज पीछे छूट जाएगा सर, कहां छूट जाएगा, जो पाई बॉन्ड आपका पाई बॉन्ड बना रहा है ना उसकी जो तीर चल रहा है उसकी जो पूंछ वाल से जुड़ा हुआ एटम है, इसकी पूंछ से जुड़े हुए एटम पर पॉजिटिव चार्ज पीछे छूट जाएगा। पहली बार ध्यान में सुनना है, ध्यान सुनना है एक लाइन को, बाकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी कि हर एक सवाल जल्दी से बोलेगा। तो आपको पाई बॉन्ड को वहां शिफ्ट करना है जो एक बॉन्ड का गैप है और पॉजिटिव चार्ज को वहां शिफ्ट करना है जहां पूंछ है, इस एरो की पूरे की जहां पूंछ है वहां शिफ्ट कर देना है, तो आप बोल देना पाई बॉन्ड बनाएगा, पॉजिटिव चार्ज पीछे छूट जाएगा और रेजोनेंस हो जाएगा। क्या अच्छी लाइन है, रेजोनेंस हो गया। फिर से आपसे पूछूं, चलो प्रैक्टिस कराता हूं फिर से, पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज एक बॉन्ड के गैप पर है अतः 100% यहां रेजोनेंस होगा, अगर होगा तो कैसे कराओगे बच्चों बोलो, पाई बॉन्ड बनाएगा, तीर देखो, तीर देखो, ये तीर याद करना आपको, कहां बनाएगा बॉन्ड पर, तो बॉन्ड पर उठा के पटक दिया, पॉजिटिव चार्ज पीछे छूट जाएगा, कहां छूट जाएगा, यहां, तो देखो यहां बना दिया, तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये पाई बॉन्ड यहां और ये पॉजिटिव चार्ज यहां। क्या आपको समझ में आया, अगर ऐसे शिफ्ट होता है तो ये स्ट्रक्चर बनता है और ऐसे शिफ्ट होता है तो ये स्ट्रक्चर बनता है। क्या लॉजिक बैठ गया दिमाग में पूरा का पूरा। अब देखिए ध्यान से, लाइन टू लाइन बात सुनना, अब मैं आपको सिखाता हूं अनुनाद की परिभाषा, परिभाषा पर लेके जा रहा हूं, ध्यान सुनना। अगर बॉन्ड में ही इलेक्ट्रॉन हो, मतलब यही है, तो इन बॉन्ड को, इन इलेक्ट्रॉनों को बोलते हैं स्थानीकृत इलेक्ट्रॉन, हिंदी में बोले तो स्थानीकृत इलेक्ट्रॉन और अंग्रेजी में बोले तो लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, स्थानीकृत इलेक्ट्रॉन। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां के अलावा कहीं और भी शिफ्ट हो रहे हैं तो उसे बोलते हैं बेटा डीलोकलाइज्ड। क्या बोलते हैं, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, और जिसे हिंदी में बोलते हैं विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं बेटा, विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन्स, विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे बेटा, है ना। जब भी इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो तो उसे बोल देना विस्थानीकृत, और एक ही जगह रहे तो उसे बोल देना स्थानीकृत। तो मुझे बताओ ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो रहा है उनका, जल्दी से देख के बताओ, ये स्थानीकृत है या विस्थानीकृत है। सर ये विस्थानीकृत है, यहां से यहां विस्थापित हो रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन विस्थानीकृत है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये बॉन्ड कौन सा है, सर पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों, पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहां क्या हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण हो रहा है, किसकी वजह से, संयुग्मन की वजह से, किसकी वजह से, संयुग्मन की वजह से। तो लाइन सुने, संयुग्मन के कारण पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण तंत्र में, संयुग्मन के कारण, तंत्र मतलब सिस्टम है ना, तंत्र थोड़ा अजीब सा लग रहा है, सिस्टम में संयुग्मन के कारण पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण अनुनाद कहलाता है। ये डेफिनेशन मैं आपको जरूर लिखाऊंगा, अभी आपको लिखना नहीं है, मैं पहले जो टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन है वो सिखा देता हूं, उसके बाद में आपको बहुत प्यारे प्यारे की पॉइंट्स कुछ लिखूंगा, वो पॉइंट्स ये सारे के सारे वहीं खिट्टे करेंगे, अभी मैं आपको समझा जाता हूँ हर एक पॉइंट और वहां एक साथ सारे पॉइंट्स लिख लेंगे, डने कहानी, बीच में कोई छेड़खानी नहीं करेंगे क्योंकि हमें अभी टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन सीखना है। तो अनुनाद की परिभाषा क्या निकली बेटा, संयुग्मित तंत्र में पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण अनुनाद कहलाता है। तो यहां क्या हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण हो रहा है, अतः यहां पर अनुनाद है। नेक्स्ट पॉइंट, जब आप अनुनाद कराते हो, अब मैं वर्ड बोल रहा हूं ये अनुनाद हो रहा है बेटा, जब आप अनुनाद कराते हो तो अनुनाद कराने के बाद जो संरचना बनती है बेटा, या ऐसे अनुनाद कराने के बाद ये जो संरचना बनी है, इन दोनों संरचनाओं को कहते हैं बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं, हिंदी में इन्हें बोलते हैं बेटा अनुनादी संरचनाएं, अनुनादी संरचनाएं। तो मैं हमेशा अंग्रेजी वाले टर्म यूज करेंगे हम, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, शॉर्ट में चाहो तो आप आर डॉट एस भी लिख सकते हो उसे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो इन दोनों संरचनाओं को क्या बोलेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब देखो साइंटिस्ट ने क्या शानदार लाइन बोली है,
जो अगर आपके अनुवादित करने के कारण जो संरचनाएं बन रही हैं, उन संरचनाओं के मध्य हमेशा डबल हेडेड एरो का उपयोग किया जाता है। डबल हेडेड एरो का मतलब जिसका एरो के दोनों दो हेड हों, इस साइड भी इस साइड भी, जिससे यह पता लगता है इस डबल हेडेड एरो का मतलब है। अब आपको यह नहीं लिखने की जरूरत कि यह अनुनादी संरचना है, यह नहीं लिखने की जरूरत। अब आपको सिंपल पता लग गया कि जब भी दो संरचनाओं के बीच में डबल हेडेड एरो लिख दिया जाए तो इसका मतलब है ये दोनों एक दूसरे की अनुनादी संरचनाएं हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं, आपके पास है एक ए और ये आपके पास है एक बी और इसके बीच में मैंने डबल हेडेड एरो लगा दिया, तो आप तुरंत कहना ये दोनों एक दूसरे की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। शॉर्ट में लिख दिया मैंने, क्या बेटा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच में क्या लगाते हैं बेटा? डबल हेडेड एरो का उपयोग किया जाता है। क्या पॉइंट आपको समझ में आया? डन है कहानी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब लाइन सुने आगे कहानी, बहुत ज्यादा थ्योरी है, एक एक लाइन आपको लिखाऊंगा भी और समझाऊंगा भी, टेंशन मत लो। लाइन सुने, क्या कहना चाहता है? अगर मैं किसी भी कंपाउंड की सभी प्रॉपर्टीज को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लूं, जैसे मैंने ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ले ली एक ही, और उससे कंपाउंड की सभी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करूं, तो अनुनादी संरचना, अकेली अनुनादी संरचना अकेले के दम पर यौगिक के सभी गुणधर्मों का निर्धारण नहीं कर सकती है। मतलब अकेली संरचना से आप किसी यौगिक के सभी गुणधर्मों का निर्धारण नहीं कर पाते। जब बेटा आप किसी यौगिक के सभी गुणधर्मों का निर्धारण नहीं कर पा रहे किसी संरचना से, तो वो ये कहना चाहता है कि अतः वह संरचना वास्तविक नहीं है। अगर वास्तविक संरचना होती किसी यौगिक की, तो उस यौगिक के सभी गुणधर्मों का निर्धारण करती। बट अनुनादी संरचना कभी भी अकेले के दम पर यौगिक के सभी गुणधर्मों का निर्धारण नहीं कर पाती, अतः अनुनादी संरचना, लाइन सुनना यह भी मैं लिखाऊंगा, अनुनादी संरचनाएं काल्पनिक होती हैं या अवास्तविक होती हैं। मतलब ये रियल संरचना नहीं होती। तो ना तो ये वास्तविक है और ना ये वास्तविक है, दोनों की दोनों कैसी हैं? अवास्तविक, अवास्तविक और काल्पनिक हैं। अब तुरंत सवाल आया, तो सर वास्तविक क्या होता है? तो लाइन सुने, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? अनुनादी संरचनाओं के औसत से, अनुनादी संरचनाओं के औसत से जो संरचना बनती है उसे अनुनादी संकर कहते हैं। यहां एक वर्ड आया है औसत, इसलिए तो मैंने रेजोनेंस स्टार्ट करने से पहले आपको औसत कुछ पॉइंट सिखाया है, क्योंकि अब यहां काम आएगा। अनुनादी संरचनाओं के औसत से बनने वाली संरचना अनुनादी संकर कहलाती है, और अनुनादी संकर ही यौगिक का वास्तविक निरूपण होता है। मतलब अगर पूछा जाए वास्तविक कौन है, तो आप कहोगे अनुनादी संकर। बनता कैसे है? अनुनादी संरचनाओं के औसत से। और एक लाइन और ऑथेंटिसिटी वाली धांसु लाइन जोड़ता हूं, इसमें ध्यान सुनना। सभी अनुनादी संरचनाओं का अनुनादी संकर में जब औसत लिया जाता है, तो वह औसत अनुनादी संरचनाओं के स्थायित्व के आधार पर लिया जाता है। अर्थात जिस अनुनादी संरचना का स्थायित्व ज्यादा होता है, उसका अनुनादी संकर में योगदान भी ज्यादा होता है। फिर से बोलता हूं, ये एक एक लाइन में आपको नेक्स्ट आगे थ्योरी आएगी, तो ये सारे कॉन्जुगेशन के टाइप्स पढ़ाने के बाद एक एक लाइन में आपको लिखाऊंगा, आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप सुनते जाइए। तो पॉइंट इस प्रकार से सेट हुआ, अनुनादी संकर वास्तविक है, अनुनादी संरचना काल्पनिक है। तो अब मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि अनुनादी संकर बनाया कैसे जाता है, अगर आपको अनुनादी संरचनाएं दी जाए। बट ये बात ध्यान में रखना, अनुनादी संरचनाएं अनुनादी संकर में अपने स्थायित्व के आधार पर योगदान करती हैं, अर्थात जिसका स्थायित्व ज्यादा उसका योगदान भी ज्यादा होगा। तो पॉइंट, अनुनादी संकर कैसे बनाते हैं? तो सबसे पहले वो सब बना लो जो अनुनाद में भाग नहीं ले रहा है। तो सर पाई बॉन्ड, एक तो पाई इलेक्ट्रॉन भाग लेने, मतलब ये पाई बॉन्ड भाग ले रहा है और एक पॉजिटिव चार्ज भाग ले रहा है, बाकी और कुछ नहीं भाग ले रहा है, वहीं की वहीं है। तो अतः जो अनुनाद में भाग ले रहा है उसे मत बनाओ, बाकी सबको बना लेते हैं। तो बाकी सबको बनाओगे तो क्या बनेगा? सी एच टू साथ देना, सी एच और सी एच टू, यही तो बनेगा प्यारे बच्चों। अब मुझे बताओ ये कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। और ये कैसा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। दोनों का औसत लेना है, काम आ गई बात? सिंगल बॉन्ड काम आ गई, नहीं आ गई? बोलो, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड का औसत क्या होता है? पार्शियल डबल बॉन्ड। तो ये वाला बॉन्ड कैसा है वास्तविकता में? पार्शियल डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का एवरेज क्या होता है? पार्शियल डबल बॉन्ड। तो ये वाला बॉन्ड कैसा हो गया आपका, जल्दी से बोल दो? पार्शियल डबल बॉन्ड हो गया। और इस पूरे सिस्टम पर सबको मिलाकर कितना चार्ज है? तो मैंने इस पर लिख दिया कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज। तो ये इसका क्या हो गया? रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलते हैं बेटा इसको? रेजोनेंस हाइब्रिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? रेजोनेंस हाइब्रिड। और हिंदी में बोलते हैं अनुनादी संकर, अनुनादी संकर। हर एक चीज की मैं हिंदी अंग्रेजी दोनों लिख रहा हूं, है ना? इसे क्या बोलेंगे बेटा? अनुनादी संकर। अब क्या आपको पूरा का पूरा पॉइंट समझ में आ गया? सारे पॉइंट जो मैंने बोले थे थ्योरी में, मैं आगे आपको लिखा दूंगा। तो ये ऐसे अनुनाद होता है,
डबल एरो का उपयोग करते हैं और ऐसे अनुनादी संकर बनाया जाता है। क्या आपको पॉइंट बैठ गया? नेक्स्ट कॉन्जुगेशन की पोजिशन पर चलते हैं, तो पहले आप जल्दी से ये ड्रॉ कर दीजिए, जल्दी से बनाइए पॉज करके, एक एक लाइन बना दिया सबने। टोटल कॉन्जुगेशन की पोजीशन अगर मैं आपसे बोलूं, टोटल यहां 5 कॉन्जुगेशन की पोजीशन है, और जिसको ये 5ों कॉन्जुगेशन की पोजीशन आ गई उसके रेजोनेंस समझ में आ गया, और जिसको रेजोनेंस समझ में आ गया उसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अल्टीमेट हो जाएगी। बहुत जगह आपको रेजोनेंस काम आने वाला है, जैसे आई इफेक्ट है वैसे ही रेजोनेंस भी हमें काम आएगा। तो ये तो पॉइंट समझ गए होंगे आप आराम से। तो नेक्स्ट कॉन्जुगेशन की पोजीशन पर चलता हूं, सेकेंड नंबर की है ना, इसके बाद इसे और जरूर लिख देना, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी और इलेक्ट्रॉन गतिशीलता। लिख दोगे? पॉज कर लीजिए और जल्दी से ड्रॉ कर लीजिए। कर लिया? नेक्स्ट चलते हैं हम कॉन्जुगेशन की पोजीशन नंबर 2। देखिए सेकेंड कॉन्जुगेशन की पोजीशन है बेटा नेगेटिव चार्ज एंड पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन। नेगेटिव चार्ज, आप एंड का मतलब ध्यान में रखना, एक बॉन्ड का गैप, बाकी सारी कहानी सेट हो गई। नेगेटिव चार्ज, एक बॉन्ड का गैप, चाहे सिंगल हो चाहे डबल हो, उसके बाद पाई बॉन्ड अगर प्रेजेंट आ जाए तो आप प्रेजेंट हो तो आप उसे तुरंत कह देना नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन है। कितना आसान है, नेगेटिव चार्ज और पाई बॉन्ड जब भी एक बॉन्ड के गैप पर हो तुरंत कहना वहां नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन आएगा और रेजोनेंस हो जाएगा। फिर से मुझे बोलो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी किसकी ज्यादा है, जल्दी से बताइए, नेगेटिव चार्ज की या पाई बॉन्ड की? तो सर कहोगे सर नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ज्यादा है। जब नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ज्यादा है तो कौन भागेगा प्यारे बच्चों? नेगेटिव चार्ज। अब मेरी कहानी भगाने की कहानी है बेटा, बोलो साथ में, नेगेटिव चार्ज बनाएगा पाई बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज बनाएगा पाई बॉन्ड। कहां बनाएगा पाई बॉन्ड? जब भी पाई बॉन्ड बनेगा वो जो एक बॉन्ड का गैप है उस पर बनेगा, ये बात ध्यान में रखना। नेगेटिव चार्ज बनाएगा पाई बॉन्ड, तो देखो मैंने उठा के यहां से और ये पाई बॉन्ड बना दिया, दिखाया क्या? तीर, देखो तीर को याद करो, ऐसे तीर याद करना, नेगेटिव चार्ज बना देगा पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड बना देगा नेगेटिव चार्ज। साथ साथ नेगेटिव चार्ज बनाएगा पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड बनाएगा नेगेटिव चार्ज, और रेजोनेंस हो जाएगा। और रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स के बीच में क्या लगाते हैं? डबल हेडेड एरो। तो यहां क्या बना जल्दी से बोल दो, CH2 डबल बॉन्ड, CH और CH2 नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज बनाएगा पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड बनाएगा नेगेटिव चार्ज और रेजोनेंस हो जाएगा। ये जो मैं लाइंस बोल रहा हूं, मैं फिर से बोल रहा हूं, बादलों में साइड में लिख देना, बहुत ही ज्यादा काम आएंगी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। नेक्स्ट, क्या मैं आपसे पूछता हूं यहां रेजोनेंस है क्या? बिल्कुल है सर। कैसे होगा? नेगेटिव चार्ज बनाएगा जल्दी से बोलो पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड बनाएगा नेगेटिव चार्ज और रेजोनेंस हो जाएगा। क्या बात आपको समझ में आ गया है? जी बिल्कुल समझ में आ गया है। क्या ये दोनों स्ट्रक्चर्स रियल हैं? जी नहीं, ये रियल नहीं है, रियल होता है हाइब्रिड। और हाइब्रिड कैसे बनाते हैं? पहले जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है उसे मत बनाओ। तो जैसे CH2 पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, CHB पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, CH2 भी नहीं कर रहा है, सिग्मा बॉन्ड वैसे के वैसे ही है। अब नेगेटिव और पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट कर रहा है वो मैंने नहीं बनाया है। बोलो नेगेटिव सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड का एवरेज, शानदार लाइन। सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड का एवरेज सर होता है पार्शियल डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का एवरेज होता है सर पार्शियल डबल बॉन्ड। तो दोनों बॉन्ड कैसे हो गए आपके? पार्शियल डबल बॉन्ड हो गए। और अगर मैं बोलूं कंप्लीट चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज एक है, इस पर भी नेगेटिव चार्ज एक है, तो दोनों पर जोड़ोगे, ये एडिशन है, तो दो नेगेटिव चार्ज हो गए, इसका एवरेज लोगे तो कितना आएगा? एक नेगेटिव चार्ज। तो पूरे टोटल पर कितना नेगेटिव चार्ज आ गया बेटा? एक नेगेटिव चार्ज आपको मिल जाएगा। क्या आपको बात समझ में आया है? आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, दूसरा आप ऐसे भी कर सकते हो, इसे ऐसे भी बना सकते हो बेटा। यहां एक नेगेटिव चार्ज है एक, और यहां न्यूट्रल है मतलब जीरो है, जीरो और एक का एवरेज लोगे तो क्या आएगा? हाफ। क्या आएगा? हाफ। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, यहां पर हाफ नेगेटिव चार्ज पार्शियल बॉन्ड, पार्शियल बॉन्ड बन जा भाई, पार्शियल बॉन्ड CH, पार्शियल बॉन्ड CH2, और ये हाफ चार्ज, दोनों में से कोई भी लिख लो, दोनों बातें बिल्कुल सेम है। लास्ट वाले में भी, पॉजिटिव चार्ज वाले में भी आप ऐसे कर सकते हो, पॉजिटिव हाफ पॉजिटिव हाफ, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हाइब्रिड आप बना सकते हो। नेक्स्ट मैं आपको जितने भी रूल्स आगे सिखाऊंगा केवल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊंगा, हाइब्रिड की जब जरूरत पड़ेगी तब बनाएंगे, अदरवाइज कोई जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। जब पड़ेगी सवालों में तो आपको मैं हाइब्रिड बनाना भी साथ साथ सिखाता जा रहा हूं, जिस तरीके से आपको बनाना है तो आप हाइब्रिड भी ड्रॉ कर सकते हो। तो नेक्स्ट जल्दी से पॉज करिए और पॉज करके ये सेकेंड कॉन्जुगेशन की पोजिशन लिख दीजिए। लिख दिया सबने? चले आप थर्ड कॉन्जुगेशन की पोजिशन पर चलते हैं बेटा। यहां है लॉन पेयर एंड पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन। अब हम केवल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना सीखेंगे, मतलब रेजोनेंस कराना सीखेंगे।
लॉन पेयर एंड पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन। लॉन पेयर एंड का मतलब भाई साहब बोल दो बोल दो बोल दो, रुकना नहीं, बोलो क्या है एंड का मतलब है एक बॉन्ड का गैप। लॉन पेयर, हां साहब लॉन पेयर, ये देखो लॉन पेयर आ गया, एक बॉन्ड का गैप आ गया और ये पाई बॉन्ड आ गया। जब भी आपको ऐसा दिखे तो आप तुरंत कहना वहां कॉन्जुगेशन है, और कॉन्जुगेशन है तो वहां रेजोनेंस है। अब आप रेजोनेंस कैसे कराओगे बताओ, इन दोनों में से लॉन पेयर और पाई बॉन्ड में से किसकी मोबिलिटी ज्यादा है? लॉन पेयर की। अब कहानी बनानी है हमें, कहानी सुनिए। लॉन पेयर बनाएगा पाई बॉन्ड, बोलिए साथ में, लॉन पेयर बनाएगा पाई बॉन्ड। कहां बनाएगा पाई बॉन्ड? जो एक बॉन्ड का गैप है। लॉन पेयर बनाएगा पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड बनाएगा नेगेटिव चार्ज, रेजोनेंस हो जाएगा। डबल हेडेड एरो बना दो, यहां बन गया पाई बॉन्ड NH2, ये पाई बॉन्ड बन गया, और यहां CH और ये CH2 नेगेटिव। लॉन पेयर बनाएगा पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड बनाएगा नेगेटिव चार्ज, रेजोनेंस हो जाएगा। एक बात और ध्यान सुने, जब भी कोई न्यूट्रल स्पीसीज अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, इसलिए इस पर क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। जब भी कोई न्यूट्रल स्पीसीज इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो वो नेगेटिव लिख दिया। कितना आसान है, लॉन पेयर बनाएगा पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड बनाएगा नेगेटिव चार्ज, रेजोनेंस हो जाएगा। एक और प्रैक्टिस करा देता हूं आपको, आप कहना चाह रहे होंगे बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, 50 के आसपास सवाल सॉल्व करेंगे, टेंशन मत लो। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने पर एक एक लाइन आपको दिमाग में आएगी, लॉन पेयर सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, लॉन पेयर एक बॉन्ड का गैप पाई बॉन्ड, तो लॉन पेयर बनाएगा पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड बनाएगा नेगेटिव चार्ज, रेजोनेंस हो जाएगा। तो यहां पहले तो मैं लिख देता हूं नेगेटिव चार्ज, यहां आ गया CH, पाई बॉन्ड बन गया OH, एक लॉन पेयर है ही, एक इसने डोनेट कर दिया है, तो टोटल एक पॉजिटिव चार्ज इस पर आ जाएगा। क्या बात आपको समझ में आया? जब भी लॉन पेयर कोई न्यूट्रल स्पीसीज अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उस पर कैसा बना देते हैं? पॉजिटिव। तो क्या आपको ये वाला लॉजिक पूरा बैठ गया? तो मैंने आपको तीन कहानी सुनाई, पहली कहानी साथ बोलिए मजा आएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा पॉजिटिव चार्ज पीछे छूट जाएगा, नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड बनाएगा पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज बनाएगा, और थर्ड कहानी है लॉन पेयर पाई बॉन्ड बनाएगा और पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज बनाएगा। डन है कहानी, सेट कर दूं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, थर्ड कॉन्जुगेशन की पोजीशन थी बेटा, ये थर्ड कर देना इसको, थर्ड कॉन्जुगेशन की पोजीशन है, पॉज करिए और जल्दी से लिख दीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ कॉन्जुगेशन की पोजीशन पर। नेक्स्ट है बेटा पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन। तो एंड का मतलब बोलने की जरूरत नहीं सर, एक बॉन्ड का गैप, जब भी ये एक पाई बॉन्ड है बिल्कुल, और एक बॉन्ड का गैप है फिर एक और पाई बॉन्ड आ जाए, पाई बॉन्ड किसी भी एटम के बीच में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पाई बॉन्ड एक बॉन्ड का गैप पाई बॉन्ड, जब भी आपको दिखे आप तुरंत कहना वहां कॉन्जुगेशन है, और कॉन्जुगेशन है तो रेजोनेंस होगा। अब कैसे होगा वो कहानी मैं आपको बताना चाहता हूं। जब भी पाई बॉन्ड के बीच में गैप होगा, पाई बॉन्ड के बीच में कॉन्जुगेशन हो, तो सबसे पहले टर्मिनल वाला बॉन्ड तोड़ो और कॉर्नर साइड में तोड़ो, टर्मिनल वाला बॉन्ड तोड़ो कॉर्नर साइड में तोड़ो, टर्मिनल वाला बॉन्ड ये भी टर्मिनल पर है, ये भी टर्मिनल, टर्मिनल मतलब सिरे पर एंड पर है ना, टर्मिनल वाला बॉन्ड तोड़ो और कहां तोड़ो? कॉर्नर वाली साइड में, मतलब ऐसे तोड़ो या ऐसे तोड़ो, दोनों में से आप, आपके पास दो ऑप्शन हो गए, टर्मिनल बॉन्ड कॉर्नर की साइड में तोड़ना है। अब आप तो ऐसे भी तोड़ सकते हो और ऐसे भी तोड़ सकते हो, तो कैसे तोड़ू सर? ऐसे तोड़ो कि जिससे मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज आए, क्योंकि नेगेटिव चार्ज को मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम प्यार करता है, अगर उस पर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वहां पर स्टेबिलिटी उसको ज्यादा मिलेगी। ऐसे तोड़ूंगा तो यहां नेगेटिव आएगा और ऐसे तोड़ूंगा तो कार्बन पर नेगेटिव आएगा, तो ये वाला बॉन्ड तोड़ना बिल्कुल सही नहीं है, तो मैं इसको मिटा देता हूं, क्योंकि ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो कार्बन पर नेगेटिव है और ऐसे तोड़ेंगे तो ऑक्सीजन पर। तो लाइन सुनिए, टर्मिनल किसी भी टर्मिनल का कॉर्नर वाला बॉन्ड ऐसे तोड़ो जिससे कॉर्नर साइड में, टर्मिनल पाई बॉन्ड को कॉर्नर साइड में ऐसे तोड़ो कि जिससे बनने वाला नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल हो, और साथ साथ पाई बॉन्ड का बैकअप लाओ, ये जो पाई बॉन्ड है ना पीछे इसका बैकअप लाओ, और इस बैकअप से भी आपको क्या बनाना है? पाई बॉन्ड ही बनाना है। क्या बनाना है? पाई बॉन्ड। देख लो बेटा क्या बनना है? पाई बॉन्ड। तो आपको ऐसे ध्यान में रखना है, कॉर्नर साइड में पाई बॉन्ड को तोड़ना है, पीछे से पाई बॉन्ड का बैकअप लाना है। फिर से बोलो, कॉर्नर साइड में पाई बॉन्ड को तोड़ना है, कॉर्नर साइड में पाई बॉन्ड को तोड़ना है, पीछे से पाई बॉन्ड का बैकअप लाना है। बादलों में जरूर लिख देना ये लाइन, बहुत काम की है। तो मुझे बताओ फिर से, डबल हेडेड एरो मार्क कर दूं, ये इस पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो नेगेटिव, यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो इस पर पॉजिटिव, तो यहां पर आएगा आपके पास पॉजिटिव चार्ज सी एच डबल बॉन्ड सी एच ओ नेगेटिव, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया है, बड़े आराम से आप बना सकते हो, हाँ है ना, बोल दो ना प्यारे बच्चों। ये एरो का फ्लो ध्यान में रखना, ये कॉर्नर वाला बॉन्ड तोड़ा, देखो कैसे बॉन्ड उठाया मैंने और तोड़ के यहां पटक दिया, और पीछे से पाई बॉन्ड का बैकअप लाके पाई बॉन्ड बना दिया, बिल्कुल ऐसे फ्लो होना चाहिए। तो वही मैंने, जो मैं यहां दिखा रहा हूं वही मैं वहां कर रहा हूं, देख लेना से, ये बात आपको ध्यान में रखनी है।
तो ये आपकी फोर्थ कॉन्जुगेशन की पोजीशन होगी। अब लास्ट एंड फाइनल कॉन्जुगेशन की पोजीशन है पाई बॉन्ड एंड फ्री रेडिकल कॉन्जुगेशन, पाई बॉन्ड एंड फ्री रेडिकल कॉन्जुगेशन। एंड का मतलब बताने की जरूरत नहीं है। क्या होता है एक बॉन्ड का गैप, आपके पास एक शानदार सा पाई बॉन्ड है और वो फ्री रेडिकल के साथ कॉन्जुगेशन में, ये फ्री रेडिकल हो गया। क्या होता है फ्री रेडिकल मैं आपको सिखा चुका हूं, तो यहां भी कॉन्जुगेशन माना जाएगा और यहां रेजोनेंस होगा ऐसी कंडीशन आती है। तो अब कैसे रेजोनेंस होगा इसमें देख लो, ध्यान सुनना। पाई बॉन्ड को होमोलिटिक तरीके से तोड़ो, लाइन बोलो, पाई बॉन्ड को होमोलिटिक तरीके से तोड़ो, आजू बाजू को भिड़ाओ, मतलब जो पुराना वाला फ्री रेडिकल है उसके साथ भिड़ाओ और पाई बॉन्ड बनाओ, बाकी बचे हुए को बेटा बचे हुए एटम पर ले जाओ। फिर से, पाई बॉन्ड को होमोलिटिक तरीके से तोड़ो, आजू बाजू भिड़ाओ और बचे हुए को फ्री रेडिकल को एटम पर ले जाओ। तो क्या बना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जल्दी से बोलो, CH2 डॉट CH डबल बॉन्ड CH2। सर मैं एक बार और प्रैक्टिस करना चाहता हूं। अरे एक बार क्या, बहुत बार प्रैक्टिस करेंगे, टेंशन ना ले मेरे भाई। ये पाई बॉन्ड होमोलिटिक तरीके से तोड़ो, पाई बॉन्ड होमोलिटिक तरीके से तोड़ो, आजू बाजू भिड़ाओ, मतलब इसको आजू बाजू भिड़ा दो, बचे हुए फ्री रेडिकल को एटम पर ले जाओ। तो देखो ये बन गया, बिल्कुल स्ट्रक्चर बन गया सर। ये क्या है बेटा, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए। क्या आप आराम से बना सकते हो, ये सारे पांचों पॉइंट्स मैंने बोले हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के, वो आपको ध्यान में रखने हैं। आज की बारीक बारीक बातें मैं आपको बताना चाहता हूं आज के लेक्चर में। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है रेजोनेंस होने की दो कंडीशन, पहली है प्लेनर सिस्टम होना चाहिए और दूसरा सिस्टम कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। कॉन्जुगेशन कब होगा वो देखने के लिए हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन, जिसमें पांच टाइप के आपको कॉन्जुगेशन ध्यान में रखने हैं। साथ में सीक्वेंस बोलो, पाई एक बॉन्ड का गैप पॉजिटिव चार्ज, पाई एक बॉन्ड का गैप नेगेटिव चार्ज, पाई एक बॉन्ड का गैप लॉन पेयर, पाई एक बॉन्ड का गैप पाई बॉन्ड एक बॉन्ड का गैप फ्री रेडिकल। ये पांच कॉन्जुगेशन की पोजीशन दिखे तो वहां रेजोनेंस होगा, ये बात आपको अपने ध्यान में रखना है। कल की क्लास में तभी अटेम्प्ट करना मेरी क्लास भाई बेटा, जब तक आपको ये सारी कहानी मैंने आपको बताई एक एक लाइन आपको याद ना हो तो प्लीज क्लास अटेंड मत करना। पूरी की पूरी बात आपको ध्यान में होनी चाहिए, नहीं तो बहुत मार पड़ने वाली है आपको। डन है कहानी, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बड़े प्यारे से पॉइंट्स के साथ। चलिए, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।